सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे बेल बॉटम पैंट की कटिंग। ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बेल बॉटम का नाप बताते हैं। दोस्तों, इसमें पांच नाप होते हैं। सबसे पहले हमारी लंबाई होती है, जो हमें लंबाई पहननी है। उसके बाद हम अपनी थाई नापते हैं, जितनी आपको थाई तैयार पहननी है। कई लोग क्या करते हैं थाई में, और कमेंट्स में काफ़ी पूछते हैं, और मैं उनको बता बता के थक चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को समझें। तो दोस्तों, जितनी आपको थाई पहननी है, मान लीजिए आपको लूज़ पहननी है तो लूज़ के हिसाब से आसन निकलेगा, अगर आपको टाइट पहननी है तो टाइट के हिसाब से आसन निकलेगा। और पैंट एक बार जो बन गई वो आपकी उतनी बन गई, वरना आपकी पैंट ख़राब हो जाएगी। कई लोग फिक्स नाप लेते हैं फिर कहते हैं कितनी लूजिंग डालें, तो आपको नाप समझने के लिए मेजरमेंट वाली वीडियो देखनी होगी। तो दोस्तों, आई बटन पर आप क्लिक करके फुल बॉडी मेजरमेंट की वीडियो देखें और उसे समझें, तभी आप स्थाई का मेजरमेंट समझ पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये आपका घुटना होता है, जो घुटने के ऊपर आपको नापना होता है कि आपको कितना फिटिंग पहनना है। तो ये भी आपको बिल्कुल थाई के हिसाब से ही रखना होगा कि आपको यहाँ से कितना लूज़ पहनना है, कितना टाइट पहनना है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से रखना है, यानी हल्का लूज़ आपको नाप लेके चलना होगा घुटने का। उसके बाद दोस्तों, ये हमारी मोरी होती है कि आपको बॉटम कितनी चाहिए, क्योंकि बेल बॉटम जो होती है नीचे से खुली होती है और घुटने से चिपकी हुई होती है। तो हमारी 31 इंच है इसमें, और कमर 36 इंच। तो दोस्तों, ये हमारे पांच नाप हो गए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें कपड़ा चाहिए होता है इसमें 2.25 मीटर। 2.25 मीटर कपड़े में आप इसको बड़ी आराम से कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आप कपड़े को प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है, अंदर वाला हिस्सा सीधा होगा और किनारी वाला आपको अपनी साइड रखना है जहाँ आप कटिंग करेंगे। इसमें दो तरीके के फुट्टों की ज़रूरत होती है, एक आपका सीधा फुट्टा होता है और एक होता है आपका सेफ फट्टी। तो इस तरीके के फुट्टे से आप कटिंग कर पाएंगे इसकी। और सबसे पहले दोस्तों, आप इसको इस तरीके से सीधे फुट्टे से निशान लगा लें, क्योंकि देखिए जो भी आड़ा कपड़ा होता है वो हमारे को सीधा करना होता है। तो आप इसे पहले एक निशान लगा लें दोस्तों। ये निशान लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से यहाँ से देखिए, ये भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से रखने के बाद। ये जब निशान लगा लेंगे तो देखिए, आप इंची टेप से 1 इंच ऊपर छोड़ना है इंची टेप, और आपको अपनी थाई का निशान लगाना है। आपकी 30 इंच की थाई है, तो यहाँ पे थाई नहीं, यहाँ पे आपको आसन का निशान लगाना है। तो 1 इंच से आप 11.5 पे निशान लगाएंगे, ये आपका आसन का निशान है, क्योंकि आपकी 30 इंच थाई है। अगर आपको आसन के फार्मूले जानने हो कि हम आसन कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों आई बटन पर आप क्लिक करके आसन के फार्मूले वाली वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अपने बेल बॉटम की जो लंबाई रखनी है पैंट की, वो आपकी 37 इंच है, तो 37 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप ये सीधे फुट्टे से देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा लें, जितना आपको फोल्ड के लिए चाहिए नीचे उतना आप निशान लगा लें। इसी तरीके दोस्तों, आप आसन वाले हिस्से पे भी निशान लगा लें। दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद हम पहले थाई के बीच में से रखते थे पैंट में, लेकिन बेल बॉटम में ऐसा नहीं करना। बेल बॉटम वाले में आपको रखना है कि आपकी मोरी कितनी है। तो मोरी आपकी 31 इंच है, तो 31 का आधा आपका हो गया 15.5 इंच। तो आप यहाँ पे देखिए, किनारे वाले हिस्से पे इस तरीके से 15.5 पे आप ऐसे रखेंगे निशान, और यहाँ पर आप 15.5 का निशान लगा लेंगे। बेल बॉटम आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके अर्ज में आ जाए, तभी आप बुकिंग करेंगे। ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ही बुक कर लें और आपका अर्ज से बाहर जाता हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी मैं जब बैक पल्ला काटूंगा तो उसमें बताऊंगा कि आपको कितना इसमें बना, मतलब कितना आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 31 इंच मोरी है, तो हमने 15.5 पे निशान लगा लिया, और 15.5 का आधा हम 7.25 पे निशान लगाएंगे। 7.25 पे निशान लगा लिया हमने दोस्तों, ठीक है। इन दोनों के, ये हमारा 15.5 हो गया बॉटम का निशान, उसके नीचे हो गया 7.25 इंच, ये हम बेल बॉटम में सबसे पहले निशान यहाँ का लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो निशान लगाया हमने सेंटर में, आप इसको इंची टेप से ऐसे नापेंगे तो ये आपका आ रहा है 7.25 इंच। तो आपको यहाँ पर देखिए, 7.25 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाना है, और इसी तरीके दोस्तों, 7.25 इंच पे आपको एक निशान यहाँ पे लगाना है, और इसी तरीके दोस्तों आप यहाँ पे देखिए किनारे से 7.25 इंच पे आपको एक निशान यहाँ पे लगाना है। और इन निशान लगाने के बाद सीधे फुट्टे से आप इन सब निशानों को सीधा
कर लें। तो दोस्तों ये निशान आपका सीधा हो गया, ये हमारी पैंट की क्रीज वाला निशान है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका घुटने का निशान आप रखेंगे तो आप एक इंच इस तरीके से उठाएं और आपका तकरीबन 20 इंच या 21 इंच पे आपका घुटने का निशान आएगा। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 20.5 इंच पे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद अब आपको अपने घुटने का नाप लगाना है। तो दोस्तों घुटने का नाप जो था आपका 22 इंच था, तो 22 का आपको आधा रखेंगे 11 और 11 का आधा हो गया 5.5। तो देखिए इस तरीके से आपको ऊपर से 20.5 या 21 इंच में आपका घुटना आता है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे 5.5 और यहाँ पे लगा लेंगे 11 इंच। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अब लगाना है आपको अपनी थाई का निशान। आपकी थाई 30 इंच है तो 30 का आधा हो गया 15 और 15 का आधा हो गया 7.5। एक निशान 7.5 पे, दूसरा निशान आपका थाई का 15 इंच पे, देखिए इस तरीके से ये निशान आपने लगा लिया। तो आप इस निशान पे ऊपर से पहले नीचे तक यहाँ पे मिला लेंगे, इस तरीके से आप इसको ऐसे मिला लें, ठीक है। फिर आपको किस तरीके से कटिंग करनी है तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से बताता हूँ मैं। ये आपका सीधा फुट्टा जो है, ये आपका जो सेफ फट्टी है, सीधा फुट्टा नहीं सेफ फट्टी है। तो आप इसको देखिए इस तरीके से लेने के बाद तकरीबन यहाँ पे आधा इंच इस निशान से निशान तक मिला दें, जहाँ आधा इंच का हमने निशान लगाया है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आधा इंच यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ऐसे रख के मिला लें। दोस्तों ये निशान लगने के बाद आप इसको यहाँ पर हल्की गोलाई देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर भी सीधा निशान लगा लें और करीब इस तरीके से निशान लगा लें, आधा इंच। ये इसलिए लगा रहा हूँ जिससे हमें गोलाई देने में आसानी रहेगी। फिर अपने फुट्टे को आप इस तरीके से ले भी सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक आप मिलाएं और आपको यहाँ से लेके नीचे तक यहाँ पे मिलाना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके घुटने की यहाँ पे फिटिंग है। ये हर कोई अपने हिसाब से पहनेगा, जैसे इनको थोड़ा लूज़ पसंद है, ठीक है, किसी को टाइट पसंद है तो आप थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं, घुटने को मोरी को आप लूज़ और कर सकते हैं। तो जिसका जैसा नाप होगा आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये आपके तीन नाप मैंने बता दिए, मोरी का जो बॉटम होती है नीचे की, ये घुटने का नाप हो गया और ये आपका थाई का नाप हो गया। ये तीनों नाप लगाने के बाद अब यहाँ पर आप तकरीबन 1.25 इंच में निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो आपकी कमर थी 36 इंच जो हमने आपको बताई थी। तो दोस्तों 36 का आधा हो गया 18, 18 का आधा हो गया 9 इंच, 9 इंच पे आप निशान लगा लें और 2.5 इंच आप रखेंगे मार्जिन, जिसमें आपकी प्लेट और दबाव सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये जब निशान लगा लेंगे आपको इस निशान से इस निशान तक इस तरीके से मिलाना है और इसको इस तरीके से घुमा देना है। तो दोस्तों ये आपका निशान लग चुका है, ठीक है। निशान लगने का दोस्तों अब इसे हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हम नीचे की तरफ से कटिंग करें। कटिंग करने का दोस्तों आप इसको यहाँ से देखिए कटिंग करेंगे ऊपर से, फिर आप यहाँ से देखिए इसे कटिंग करें, फिर आप यहाँ से इसको बिल्कुल निशान पर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये कटिंग करने का ये कपड़ा होगा, हम इसे हटा लेंगे और यहाँ वाला हिस्सा हम बाद में कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हो गया, जहाँ पे आप यहाँ पे कट लगा लें एक और दूसरा कट आप यहाँ पे लगा लें। यहाँ से आप अपनी प्लेट की लंबाई 3-3.5-4 रुपये निशान लगा लें इस तरीके से, जहाँ तक आप प्लेट डालेंगे अपनी, और दूसरी तरफ जो निशान आएगा आप उस पर भी इस तरीके से निशान लगा लें ताकि हम प्लेट डाल पाएँ। तो दोस्तों ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा कट चुका है, अब इसे हम देखें इस तरीके से ऐसे लेंगे और इसे हम हटा देंगे। फिर दोस्तों जो बाकी वाला हिस्सा है उसमें भी हम सेम कपड़े को बिछा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसे बिछा लेंगे तो आप देखिए तकरीबन यहाँ से आपको 3.5 इंच पे इस तरीके से आपको बिछाना है कि यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा लें और जो आपने यहाँ पर कटिंग नहीं करा आप किनारी से किनारी मिला दें 3.5 इंच के पास से, बिल्कुल बराबर से आप इसे बिछा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप पहला दूसरा तीसरा तीसरे तीनों निशानों को आप इस तरीके से फुट्टे को रख के निशान लगा लें।
फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि हम अपने पैंट में रखते हैं कि यहाँ से हम 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर भी 1.5 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी आप 1.5 इंच निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों आपको अपने फुट्टे की मदद से जो सेफ फट्टी होती है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप बिल्कुल सेम ऐसे रखने का निशान लगाएं और यहाँ से यहाँ तक आपको निशान लगाना है। दोस्तों जब ये आपका निशान लग जाएगा तो ये आपका तो बैक वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये वाला हिस्सा है आपको यहाँ पर फुट्टे से इस तरीके से रख के बिल्कुल सीधा रखना है, जिसमें अगर आपकी हिप कितनी भी हो वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी अगर आपने थाई का नाप और सब ओके रखा होगा तो। फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करीब 3 या 2.5 इंच उठा के आप इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जब ये आपका निशान लग जाएगा फिर आप इसको यहाँ पर राउंड देंगे थोड़ा सा, तो ये आपका राउंड हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसे भी नीचे से कटिंग करेंगे सीधा, फिर हम इसे करेंगे तिरछा कटिंग जो हम बैक उठा के काटते हैं, फिर हम करेंगे इसको यहाँ पे आसन की तरफ से निशान पे कटिंग, और यहाँ वाले हिस्से में हमें करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके हमें निशान से कटिंग करना है पूरे को। यहाँ पे कट लगा लें और उसके बाद दोस्तों अब आपकी लास्ट कटिंग होगी वो होगी आपकी इस निशान पे। आप बिल्कुल सेम कटिंग कर लेंगे जो निशान आपने लगाया है एक बराबर चारों पल्लों को। तो दोस्तों ये देखिए आपकी बेल बॉटम पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ये बॉटम अपने अल्च के हिसाब से ही बुकिंग करनी होगी क्योंकि हमें बैक पल्ला 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटना होता है, ठीक है, और यहाँ से हमें सेंटर इस हिसाब से लेना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम आप वैसे ही कटिंग करेंगे। और दोस्तों खास तौर पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, घुटने का नाप आपका ऊपर से 1 इंच ऊपर इंची टेप करने के बाद 20 या 21 इंच पर आएगा, और आप जो पहन जिसका आप बनाएं आप उसका घुटना नाप भी सकते हैं। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से आपको जितनी फिटिंग पहननी हो उस हिसाब से रखेंगे। अब जैसे कि इनको खुली पसंद थी तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी खुली है, आप इसको थोड़ा कम और कर लेंगे तो और अच्छी गेटअप आएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बेल बॉटम पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।